महाराज। हाँ हाँ, हमने आपको भरी कचहरी से बुलवाया है। हाँ हाँ, और बुलवाओ का महाराज। अब हमें जाकर हमें नीको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं है ना मेरे पे। अरे तुम तो सवेरे चले जाता हो 7 बजे, सारे दिन कचहरी में लगे रहता हो, तुम्हारा तो मन लगो रहता है। लेकिन जा घर में जो दीवाले हमें खाए को धोती हैं। अरे हाँ, बात सुनो, पुत्र देना या न देना ये तो भगवान की इच्छा है। देना या न देना ये भगवान की इच्छा है। कभी कभी तो औलाद दे करके छीन लेते, ये भी उनकी इच्छा है। बात सही है तुम्हारी महाराज। और एक बात बताएं तुम्हें, संसार में सुखी कोई नहीं है। जिनके पुत्र नहीं है वो तो दुखी है ही, और जिनके पुत्र हैं वो भी कम दुखी नहीं है। बात सही है, लेकिन यही संसार के लोग है ना, तुमसे निर्वंशी और हमसे बांझ कहते हैं। जो माथे पे कलंक को टीका लगा सो तो मिट जाता, चाहे है कि मच जाता। तो बताओ क्या कर सकते हैं, ये तो विधाता के लेके। तुम्हें इतनी परेशान हो तो तुम नाराज ना हो तो तुम सो एक बात कहे। हाँ हाँ बोलो, गुस्सा ना हुई हो ना, ना, ना। तो तुम एक काम करो ना। हाँ, तुम अपो दूसरा ब्याह। क्या कहा फिर से कहना, क्या कहा फिर से कहो। तुम घर में जाए कि हमें मार ले करो, लेकिन भरी समाज में इतनी बुरी बातें टकराए ना मत करो। एक बात तो सुन लियो, तुम मेरी कान खोले के तो क्या कह रही हो दोबारा को। तुम दूसरा ब्याह कर लो, ब्याह ऐसा। एक बात बताओ, ऐसी कोई स्त्री होगी जो अपने पैरों पर कुड़ारी मारेगी? तुम्हें अबे सौत के फंद ना मालूम है? सौत छून की भी बुरी होती है। दिमाग खराब है क्या? ये बात दिमाग में भी मत लाना। वो पता आती है डकराएंगे, और सोई की सोई है गई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैया पर रही हूँ। मैं जी जी है तो तुम्हारे छोड़ने तो हमारे, हमारे छोड़ने तो तुम्हारे। तुम एक काम करो ना। हाँ, ब्याह कर लो। मैंने कहा ना ये बात दिमाग में मत लाना। तुम्हें मालूम है जिस घर में दो नारी होती उस घर की दो नाली होती, दिन रात कलेश मचाती है फिर घर की बर्बादी। इसलिए मान जाओ। बात सही है, लेकिन वो गंगा में यमुना बन के रह लूंगी। कहूं दिन बाढ़ आएगी तो गंगा जो ना खट्टी बह जाए, तो वो अटाप है रह लेगी, तो मैं नीचे रह लूंगी। माने ना? अरे माने भी भाई, बात ऐसे ना भाई, मुझे मोहल्ला परोस की कहती है, मैं खाना पक गए सुन सुन के। अरे बात सुनो, सौत के फंद बहुत बुरे हैं। राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी एक ही बात कह रही है महाराज। रानी रोई रोई करे पुकार, पूरी रात जनी नारी समझाई। विधि के ऐसे लिखे विधान, रोई रही नारी पड़ी रही पैया। Yeah.
मोती पाई बदलाती बेरिन को फिन बदली जाई बछरा हो तो पिया न थवाती बेरिन बैलून ना खो जाई ध्यान रखना भैया पूरी रात बीत गई राजा रानी को समझाता रहा लेकिन रानी नहीं मानी। दूसरा विवाह सुरची के साथ में किया। द्वार पर जब डोला आ गया तो सुनीति ने बांदी बुलाई बोले जाओ जाकर के मेरी छोटी बहन को ले आओ। बांदी पहुंची डोले के पास बोले महारानी अयोध्या में तुम्हारा बहुत स्वागत है चलो तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। क्या कहा बांदी फिर से कहना। तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। मेरी तो कोई बड़ी बहन नहीं है फिर ये कहां से आ गई बहन जी जो बुला रही है। जो तुम्हारे पति है ना उनकी पहली पत्नी। क्या कहा जी। इसका मतलब महाराज मेरे साथ में धोखा करके लाए हैं। क्या धोखा करके लाए हैं। हमें तो ये पता था कि महाराज की पहली शादी हो रही है लेकिन यहाँ तो सौत पहले से ही घर में है। तुम्हें नहीं मालूम था। हमें नहीं पता था। चलो पता हो गया। चलो अब एक काम करो मैं डोले से पैर तब नीचे रखूंगी आप जाकर के मेरे महाराज को बुला के लाओ। अरे दो बातें उनसे ही करना है। मानियो ना जल्दी जाओ ना भैया। बांदी तुरंत ही भागी महाराज के पास पहुंची बोले महाराज गजब हो गया क्या हुआ। तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी बुला रही है। राजा कहने लगा जो बात सोच रहा था वही हो गई। सुनीति के पास आई बोले चलो तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। राजा रानी दोनों पहुंचे कहां सुरुचि के पास में। रानी ने राजा से कहा महाराज एक बात बता दीजिए। क्या जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया। अरे विवाह किया तो हमें बता देते कि घर में पहले से ही सौत पाल रखी है। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और एक बात और सुन लीजिए क्या तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की तो मैं चैन से तुम्हें अभी नहीं रहने दूंगी। अभी मेरे पिता को बुलवाओ मेरा डोला वापस करवा दो। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो भोग करण को काफी थी मोई भाड़ झोंकने। अब इतना ही एहसान करो डोला को वापस करवा दो मैं जाऊंगी बाबुल घर में बाबुल को जल्दी मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे क्या मालूम था कि घर में सौत पहले ही पाल रखी है। और ध्यान रखना भैया विद्वान कहते हैं कि नारी चाहे कितनी भी क्रूप हो चाहे कितनी भी सुंदर हो लेकिन स्त्री की प्रशंसा का भी स्वीकार क्योंकि तुलसीदास कह रहे हैं